रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम आर्टिकल्स करेंगे। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। द बॉय, अ बी, एन एप्पल। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन आर इनडेफिनेट। आई नीड एन एप्पल। शी पिक्ड अ फ्लावर। द बस इज रेड। ए इज यूज्ड। द वर्ड स्टार्ट विद द कंसोनेंट एंड द वर्ड स्टार्ट विद वॉवल्स। नाउ A or N, which one do I choose? हम कुछ examples देखते हैं। Five vowels हैं, A, E, I, O, U, उनसे और बाकी अदर जो हैं वो consonants हैं। तो N जो है वो vowel से पहले आएगा। N apple, N elephant, N ice cream, N orange, N umbrella और A star, a book, a child and a woman, words starting with consonant। लेकिन अगर एच साइलेंट है, ओ की आवाज़ आ रही है, तो हम एन आएंगे, एन आवर। और जहाँ पे वॉवल है लेकिन साउंड यू की है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में, तो अ आएगा, अ यूनिवर्सिटी, एन आवर। द स्टोरी ऑफ एन आवर, तो इसमें एच साइलेंट है तो हमने एन लगाया। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट है। हम देखते हैं कि ऑनेस्ट मैन क्या होता है। ऑनेस्टी प्रैक्टिस करता है, बीइंग ट्रूथफुल टू अदर, दूसरों के साथ सच्चा होता है, ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, अपने आप सच्चा होता है और हमेशा सही बात करता है, कोई उसे देख रहा हो या ना देख रहा हो, और ऐसे लोगों के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। अपोलोजाइज फॉर बीइंग रॉन्ग, नॉट फॉर बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्टी कैन बी लर्न। लिसन टू इंस्ट्रक्शन, आप स्कूल में हैं तो टीचर की इंस्ट्रक्शन को सुने। एंटर एंड एग्जिट प्रिपेयर्ड, हमेशा क्लास में बावकार तरीके से दाखिल हों और छोड़ें। ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट, हमेशा अपनी बेहतरीन कोशिश करें। रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर, अपनी और दूसरों की इज्जत करें। नो एक्सक्यूजेस, बहाने ना बनाएं। ऑनेस्टी कैन बी प्रैक्टिस्ड एट होम, एट स्कूल एंड इन कम्युनिटी। आई एम ऑनेस्ट एट होम, आई एम इन एट स्कूल एंड आई एम ऑनेस्ट इन सोसाइटी। 24 आवर्स ड्यूटी है। आर यू ट्रीटिंग योर वर्क एज एन ऑनर, आप अपने काम को ऑनर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इज्जत के साथ। आई वुड प्रीफर इवन टू फेल विद ऑनर देन विन बाय चीटिंग। चीटिंग तो किसी सूरत में नहीं करनी। आपको पता है कि इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, आपने हिम्मत नहीं हारनी। फेल मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, पहली कोशिश जो आपने सीखने में की। एंड एफर्ट नेवर डाइज, आपकी कोई कोशिश ज़ाया नहीं जाती। और नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और चुनौती ने आपको ये सारे सबक बहुत अच्छी तरह सिखाती है। यूज ऑफ द, अब हम देखते हैं कि हम द आर्टिकल कौन सी सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। यूनिक थिंग्स, जैसे मून, सन, द स्टार्स, द अर्थ, जिनका कोई उन जैसा नहीं है। फिर है पर्टिकुलर पर्सनस आर थिंग, द मैन हुम यू मेट यस्टरडे इज माई अंकल। फिर है नेम ऑफ द रिवर, से पहले द आया, द रावी, द इंडस एंड द जेहलम, द नाइल। होली बुक्स से पहले द लगाते हैं, द कुरान, द बाइबल और गीता, द गीता जो हिंदुओं की किताब है। माउंटेन रेंजेस से पहले द हिमालयाज, द एंडीज से पहले द लगता है, लेकिन माउंट का अगर नाम लिखा जाएगा तो फिर नहीं द लगेगा। डेजर्ट्स के नाम से पहले द आर्टिकल यूज़ आएगा। फिर फेमस बिल्डिंग्स, मशहूर बिल्डिंग्स जो हैं उनसे पहले हम द लगाते हैं, द कुतुब मीनार। फिर उसके बाद है सेकंड टाइम एक सेंटेंस में कोई नाम यूज़ हो तो उसके लिए द लगाते हैं, आई मेट अ गर्ल, द गर्ल। एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन, फॉर एग्जांपल द रिच एंड द पुअर। और फिर बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड से पहले भी हम द लगाएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम ए लगाते हैं उनमें, एन लगाते हैं या द लगाते हैं। आई सा डैश एलिफेंट यस्टरडे, आप देखें कि एलिफेंट, एक एलिफेंट को देखा तो एन आएगा, बिकॉज एलिफेंट इज स्टार्टिंग विद वॉवल। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एट डैश एप्पल फॉर द लंच, कि एक एप्पल खाया तो एक एन एप्पल आएगा, बिकॉज ए इज अ वॉवल। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो क्योंकि स्टूडेंट जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें ए आएगा, आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज
She stayed there for dash hour. अभी हमने देखा था कि जहाँ पे H silent हो, O की sound आए तो वहाँ पे हम N लगाते हैं. She stayed there for an hour. I saw dash accident yesterday. I saw an accident because A is a vowel. So हम यहाँ पे N लगाएंगे. I saw an accident yesterday. Next boy. Dash boy sitting next to me is very naughty. The boy who is sitting next to me is very naughty. A particular boy. Next example is price of petrol keeps increasing. यहाँ पे आएगा the price of petrol keeps increasing. Next example है child I know is very brilliant. ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत शाइनी, बहुत इंटेलिजेंट. द चाइल्ड आई नो इज वेरी ब्रिलियंट, खास बच्चा है. देन प्लीज रिटर्न द पेन आई गेव यू येस्टरडे. वो खास पेन जो मैंने कल तुम्हें दिया था वो मुझे वापस कर दो. यहाँ पे द आएगा. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आर्टिकल्स की लेसन की समझ आई होगी. इसको बीइंग ऑनेस्ट और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें.